आज हम बात करने वाले हैं कि हमें जीरोधा में डेरिवेटिव्स दैट इज़ एफ एन ओ सेगमेंट को कैसे एक्टिवेट करवाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जीरोधा डॉट कॉम पर जाइए। जैसे आप जीरोधा डॉट कॉम पर आ जाएंगे, आपको यहाँ पे जो थ्री लाइंस नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करना है मेन्यू पे। मेन्यू पर क्लिक करते ही सबसे सेकेंड ऑप्शन है कंसोल का, बैक ऑफिस। इस पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, आपका ऐसा अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा उसका एक चार्ट सा बना हुआ आएगा। यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन होता है, अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐसी विंडो आपके सामने आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही होंगी। इस पर आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट सेगमेंट एक्टिवेशन। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ये साइड में आपका विंडो ओपन हो जाएगा। एक्टिव सेगमेंट्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। सो कुछ भी देते हैं, सिंस एफ एंड ओ चालू करना है तो इनकम थोड़ा बेटर दिखाना पड़ेगा। सो ठीक है, मैं 10 to 25 दिखा देता हूँ एक बार, एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। जैसे ये सबमिट होता है, ये 3 से 4 दिन आपका लेगा, और 3 या 4 दिन में वेरीफिकेशन के बाद आपका ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हो जैसे मैंने आपको सबमिट करना होता है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट हैज़ बिन सबमिटेड एंड पेंडिंग एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में आपका सेगमेंट एक्टिवेशन प्रोसेसिंग आ जाएगा, जो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ज़रूर ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।